ओके स्टार्ट करते हैं बेटा आज का टॉपिक। ओके तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हमारे कितने पार्ट हो चुके थे? दो। तो लास्ट क्लास में जो हमने बात की थी, लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात करी थी, टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की हमने बात की थी। आज उसी टॉपिक को बेटा हम आगे लेकर चलते हैं। तो हमारे पास टॉपिक आता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। बेटा देखो शेयर्स को इश्यू जो है हम कैसे कैसे कर सकते हैं वो अभी पहले डिस्कस कर लेते, उसके बाद प्रीमियम की बात करेंगे। बेटा हम अगर शेयर्स को इश्यू की बात करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स बेटा या तो हमारा क्या होगा एट पार, इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होगा एट पार, और दूसरा क्या होगा एट प्रीमियम। ओके बेटा शेयर जो है वो या तो पार पे इशूड होगा या फिर किस पर इशूड होगा, प्रीमियम पर। एट पार का मतलब है बेटा जहां पर शेयर की फेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू का दूसरा नाम क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू। फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, बेटा शेयर की फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू किसके बराबर हो जाए, इशूड प्राइस के बराबर। किसके बराबर हो, इशूड प्राइस के बराबर। व्हेन द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इशूड प्राइस देन इट मींस शेयर्स इशूड एट पार। बेटा शेयर किस पे इशूड हो रहा है, पार पे। तो पार वैल्यू का मतलब क्या है कि जहां पर फेस और नॉमिनल वैल्यू किसके बराबर होगी, इशूड प्राइस के बराबर होगी। उसके बाद बेटा बात करते हैं, लाइक सपोज करो हमारे पास एक शेयर की फेस वैल्यू ₹10, एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है ₹10। ओके ये ₹10 को क्या बोलेंगे बेटा, शेयर मींस इट इज द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल की स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन को हम क्या बोलेंगे, शेयर। भाई कंपनी की कैपिटल है ₹1,00,000 की, कंपनी की कैपिटल कितनी है ₹1,00,000 की कैपिटल है कंपनी की, ठीक है। और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर है 10,000, कितने शेयर है बेटा, तो बताओ एक शेयर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो 1,00,000 को 10,000 से क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा ₹10। ये ₹10 क्या है, एक शेयर की वैल्यू। तो शेयर क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन किस चीज का, कैपिटल का, कैपिटल की सबसे छोटी इकाई, यानी कि स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन को हम क्या बोलेंगे, शेयर बोलते हैं, ठीक है। अब आता है शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। बेटा शेयर किस पे इशूड हो रहा है, यानी कि शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी बेटा, कम, किससे, इशूड प्राइस से, या मैं कह सकता हूं इशूड प्राइस बेटा किससे ज्यादा होगा, फेस वैल्यू से। इशूड प्राइस किससे ज्यादा होगा, मान लेते बेटा ₹10 का शेयर है, शेयर कितने का है ये बेटा 20% के प्रीमियम पर इशूड हो रहा है, तो मतलब ₹10 का 20% कितना होगा ₹2। तो बेटा ₹10 का शेयर ₹2 के प्रीमियम पे इशूड हो रहा है, तो यानी कि इसका टोटल इशूड प्राइस कितना हो गया 12। तो ₹10 क्या है बेटा इसकी क्वेश्चन में, फेस वैल्यू, क्या है फेस वैल्यू। ₹2 का क्या है इसमें, प्रीमियम, और ये ₹12 क्या है इसका, इशूड प्राइस। ₹12 क्या है इसका, इशूड प्राइस है। बताओ इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतना क्लियर है बेटा। तो यहां पर क्या है, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो बेटा शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या है, जहां पर फेस वैल्यू इशूड प्राइस से क्या होगी, कम होगी, या फिर क्या होगा, इशूड प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, फेस वैल्यू से। ओके अब यहां पर बेटा जरा समझेंगे आप लोग, ₹10 का शेयर में मैंने कहा 20% का प्रीमियम है, बेटा ये परसेंटेज में भी हो सकता है और ये अमाउंट में भी हो सकता है, ठीक है। तो ₹10 का 20% कितना होता है ₹2, तो ₹2 प्रीमियम, तो इशूड प्राइस कितना है बेटा ₹12। तो अब ये जो इशूड प्राइस है हमारे पास ₹12, ओके इसके अंदर कितने का प्रीमियम है ₹2 का, बेटा ये जो प्रीमियम का पैसा है ना, यानी कि कितने रुपए ₹2, बेटा इस चीज को यूटिलाइज करने की, इस चीज को यूटिलाइज करने की पावर भी बेटा कंपनीज एक्ट के अंदर गिवेन है। क्या प्रॉब्लम है, समझ लो फिर यहां पर, ठीक है बेटा। यहां पर आई रिपीट, प्रीमियम कितने रुपए का है ₹2 का, है ना, और इशूड प्राइस कितना ₹12, फेस वैल्यू कितनी ₹10। तो इसके अंदर प्रीमियम कितने का ₹2 का, तो जो ₹2 का प्रीमियम है बेटा कंपनीज एक्ट के अंदर इस ₹2 को यूटिलाइज करने के तरीके दे रखे कि आप इस ₹2 को कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। और रिपीटेडली बेटा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेना, एक सवाल इससे जरूर आता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो बेटा कंपनीज एक्ट ने सेक्शन 52 में ये बात बताई हुई है, कंपनीज एक्ट ने सेक्शन 52 में ये पार दे रखी है, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, के जो ये प्रीमियम का पैसा है बेटा हम इसे कितनी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हमारे पास कितने बेटा 5,
बड़ा ये एसपीआर के अमाउंट को हम कितनी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पांच जगह पर क्या कर सकते हैं इस्तेमाल। इसके अलावा अगर उन पांच में से बेटा कोई भी एक आइटम नहीं है तो प्रीमियम का पैसा कहां पर रहेगा, प्रीमियम में, कहां रहेगा प्रीमियम में। अगर वो पांच चीजें अकर होती है तो हम प्रीमियम के पैसे को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये पांच चीजें नहीं है तो हम प्रीमियम के पैसे को कहां रखेंगे, प्रीमियम में। तो प्रीमियम का मतलब एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अंडर द हेडिंग ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, एंड अंडर द मेन हेडिंग ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। बड़ा सबसे पहली हेडिंग कौन सी होगी, शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होगा, एसपीआर यानी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। इस एसपीआर यानी कि जो 2 रुपए कंपनी ने कलेक्ट करे प्रीमियम के नाम से, बड़े एक्चुअल में 2 रुपए का तो प्रीमियम है, लेकिन अगर 10,000 शेयर है तो एक्चुअल में प्रीमियम कितने का बन जाएगा, 20,000 का। कितने का बन जाएगा, 20,000 का। तो ये जो 20,000 रुपए कंपनी के पास किस नाम से आए, प्रीमियम के नाम से। तो इस 20,000 को कंपनी कितनी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकती है, पांच चीजें। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में पांच चीजें नहीं है तो आपके रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में एसबीआर में कितना बैलेंस पड़ा रहेगा, पूरा 20,000। बताओ क्लियर है ये बात, बेटा सबको समझ में आ गई। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बड़े जल्दी से आंसर करो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से बताओ इतना क्लियर है बेटा सबको, इधर ऑफलाइन वाले बच्चे क्लियर है, अब बात करते हैं बेटा वो पांच आइटम, वो पांच चीजें कौन कौन सी है, ठीक है। तो ए वन बाय वन बेटा मैं लिखूंगा, ओके। सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल, प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब क्या मतलब है इसका, पहले वो समझेंगे। बेटा लास्ट क्लास में हमने दो टाइप के शेयर पढ़े थे, कौन कौन से, इक्विटी और प्रेफरेंस। बताओ दोनों में से किसका रिडेम्पशन होना था, प्रेफरेंस का। इक्विटी का रिडेम्पशन नहीं होता, क्या बताया था, इक्विटी का बायबैक। इक्विटी का क्या बताया था बेटा, बायबैक बताया था। तो यहां पे क्या कह रहा है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडेम्पशन सिंपली मींस रीपेमेंट, रिडेम्पशन सिंपली मींस रीपेमेंट। बेटा हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं। तो बताओ ये कौन से शेयर होंगे, अरे प्रेफरेंस तो है, कौन से प्रेफरेंस के टाइप थे ना, कौन से होंगे प्रेफरेंस में, रिडीमेबल। कौन से होंगे, रिडीमेबल। बेटा दो टाइप के पढ़े थे ना, एक रिडीमेबल और एक नॉन रिडीमेबल। और कंपनीज एक्ट 2013 ने मना कर दिया कि कंपनी नॉन रिडीमेबल को इशू नहीं करेगी, लास्ट क्लास में, कल की क्लास में बताया था ये, ठीक है। तो बेटा ये शेयर कौन से होंगे, रिडीमेबल है ना, तो उनका रीपेमेंट कर रही है कंपनी, क्या कर रही है, रीपेमेंट। अब रीपेमेंट कर रही है बेटा, अब मान लो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर से कितने के, 1,00,000 रुपए का हमने मान लिया, कितने के, 1,00,000। कंपनी बेटा इनको 10% के प्रीमियम पे रीपे कर रही है, किस पर, 10% के प्रीमियम पे। तो बताओ 1,00,000 का 10% कितना, 10,000। तो बताओ बेटा कितना रीपे कर रही होगी कंपनी इनको, 1,10,000। कितना रीपे कर रही होगी, 1,10,000। तब की प्रेफरेंस शेयर थे कितने के, तो ये जो बेटा प्रीमियम का 10,000 रुपए कंपनी पे करेगी, इस 10,000 को बेटा कहां से पे कर सकती है कंपनी, एसपीआर से। कहां से करेगी, एसपीआर से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। बताओ क्लियर है, मतलब हाँ एसपीआर तो एंट्री के अंदर आ चुका होगा, क्रेडिट हो चुका होगा पहले से। बड़ा क्लियर है, सबसे पहला क्या है, प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल का मतलब क्या बताया बेटा, रीपेमेंट। जब हम प्रेफरेंस शेयर का क्या करें, रीपेमेंट करें, वो भी किस पर, प्रीमियम पर। यानी कि जितने के वो है उसकी वैल्यू से ज्यादा उनको क्या किया जा रहा है, रीपे। तो जो ज्यादा पैसा रीपे कर रहे हैं ये इकट्ठा कहां से करेंगे, ये हम कहां से लेकर आएंगे, एसपीआर से लेकर आएंगे। क्लियर है पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर आते बेटा, सेकंड है टू राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। किसी बच्चे ने भी शेयर बोला था, जब मैंने अभी बताया था ना, इश्यू ऑफ शेयर्स दो तरह से हो सकते हैं, या तो एट पार या फिर एट प्रीमियम। तो यानी कि एक बात वहां से क्रिस्टल क्लियर हो गई थी कि शेयर्स डिस्काउंट पर इशूड नहीं हो सकता। मैंने वर्ड यहां पे क्या लिखा है, सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का मतलब यहां पे क्या हो सकता है, डिबेंचर। क्या हो सकता है यहां पे, डिबेंचर, ठीक है, ओके। अब बेटा देखो, अगर हमारे पास बेटा, आप लोग क्लास 12 में टॉपिक पढ़कर आए होंगे, रिडेम्पशन का, डिबेंचर का एक लास्ट टॉपिक था जिसमें 6 केसेस थे, ओके। पहला केस कैसा, डिबेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार, डिबेंचर इशूड एट
पार रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम, डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, ये छह केसेस पढ़कर आए थे। तो बेटा वहां पर आपको क्या हो रहा था, क्या हो रहा था वहां पे लॉस। तो बेटा जितना भी डिबेंचर को इशू करने में क्या हो रहा था कंपनी को, लॉस हो रहा था। तो बेटा ये लॉस भी क्या हो सकता है, राइट ऑफ। किससे राइट ऑफ होगा बेटा, एसपीआर से। किससे राइट ऑफ करेंगे, एसपीआर से। तो कितने यूटिलाइज कर लिया अभी तक हमने, दो। सबसे पहला कौन सा था, प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। दूसरा, टू राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। क्लियर है बेटा इतना। थर्ड, थर्ड बायबैक। बायबैक किसका होता है, हाँ, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। बेटा जब कंपनी अपने ही शेयर को बायबैक या बॉट बैक कर लेगी, ठीक है, बायबैक, तो बेटा हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एसपीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला, टू राइट ऑफ, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्री का मतलब क्या होता है बेटा, पहले, यानी कि जब कंपनी बनती है तो कंपनी के बनने से पहले के भी कुछ क्या होते हैं, खर्चे होते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन फीस, लाइसेंस फी, इनकॉर्पोरेशन फीस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो बेटा उन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए हम पैसा कहां से ले सकते हैं, एसपीआर से। कहां से ले सकते हैं, एसपीआर से। ठीक है, बताओ कितने हो गए, चार। ठीक है, अगर लास्ट वन, लास्ट वन बताओ, टू इश्यू, टू इश्यू फुल्ली पेड, टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर, फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स, टू इट्स मेंबर, टू इट्स मेंबर। अब बेटा ध्यान देना क्वेश्चन में क्या होता है, यहां फुल्ली पेड की जगह आपको क्या ऑप्शन दे देगा, पार्टली पेड। क्या, पार्टली पेड। मेंबर की जगह बेटा क्या हो सकता है, क्रेडिटर। मेंबर की जगह क्या लिख देगा वो, क्रेडिटर। तो क्या होना जरूरी है, फुल्ली पेड होना जरूरी है, और किसको इशूड होना जरूरी है बेटा, मेंबर को। किसको होना जरूरी है, मेंबर को। कितनी चीजें होगी, पांच। पहला कौन सा था, प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। दूसरा, राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। थर्ड वन इज बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। फोर्थ वन, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। एंड द लास्ट वन, टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर। बताओ बेटा क्लियर है, इन पांच के अलावा एसपीआर कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्लियर, एसपीआर का पैसा कहां पर रहेगा, एसपीआर में ही रहेगा। ठीक है, और ये बात बेटा कौन से सेक्शन से पता चलती है, सेक्शन 52 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब बताओ बेटा, एनी वन ऑफ यू बताओ, बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, तुमसे बाद में पूछेंगे। बोनस शेयर का मतलब बड़े जल्दी से बताइए, यहां तक क्लियर है सारे स्टूडेंट्स को, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा जल्दी से बताओ, शावेस, फैसल, सना, अंजुम, मरियम, मिसबा, जरीन, बड़े जल्दी से बताओ यहां तक क्लियर है। बोनस शेयर क्या, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ठीक है, हाँ बताओ किसको, वो स्वेट इक्विटी शेयर होते, हाँ बताओ, जो ये बात तो उन्होंने बता दी थी, ये बात उन्होंने बता दी थी, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को मिलते हैं। और कोई, एनीवन, हाँ तुम बताओ, फ्री में मिलते हैं। और कोई, और कोई बेटा, अच्छा कैश फ्लो नामक एक चैप्टर था क्लास 12th में, कितने बच्चों ने सुना है कैश फ्लो का नाम, कुछ का तो हाथ ऐसे उठ रहा है, धीरे से देखने लगे सर कि हमने पढ़ा है ना, क्यों भी जाफर ऐसे उठ रहा था तुम्हारे, क्यों मतलब कोई ऐसा बच्चा इसने नहीं सुना, सबने सुना है ना, ठीक है ना, ओके। तो उस चैप्टर में बोनस शेयर का कुछ जिक्र था, हाँ या ना, था या नहीं, नहीं था, नहीं था, पक्का सोच लो बताओ,
कितने टाइम हो गया आपको, 3-4 साल हो गए ट्वेल्थ करे हुए, है ना? तो ये आप ऐसा लग रहा है यूजी की नहीं पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। हाँ बताइए, नहीं था पक्का? कितने बच्चे कह रहे नहीं था और कितने कह रहे था? तो ये क्या कह रहे हैं, ये क्या है? चलो एक सवाल पूछते हैं आपसे, ठीक है? फिर ये बोनस शेयर पूरा समझ में आएगा आपको। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। यहां पर है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस यानी कि 1/4/2021 और यहां पर 31/3/2022, ठीक है? यहां ले रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख और यहां पे दे रखा है बेटा 12 लाख। ओके, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कंपनी इशूड बोनस शेयर, कंपनी इशूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:1, यानी कि हर 5 के बदले में कंपनी क्या दे रही है, एक बोनस शेयर इशू कर रही है। यानी कि जिन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के पास 5 शेयर है तो उन्हें कंपनी कितने शेयर दे रही है, 1। तो यानी कि जिनके पास 500 शेयर है उन्हें कितने देगी, 100। जिनके पास 5000 है उन्हें कितने देगी, 1000। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? ओके, अब बेटा आप कैश फ्लो बनाते थे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले तो बताओ ये इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी एक्टिविटी में जाएगा? एजाज, कितनी एक्टिविटी थी कैश फ्लो में? तुम बताओ फैजान, 3। कौन कौन सी और कौन सी? इन्वेस्टिंग सबसे पहली कौन सी थी? सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी होती है? फाइनेंसिंग। वो तो किताब में पढ़कर आए हो आप इन्वेस्टिंग। पहले बिजनेस में पैसा लगाओगे या पहले से पैसा कमाना शुरू कर दोगे, बिजनेस शुरू कर दोगे, क्या होगा? पहले इकट्ठा करोगे पैसा कहां से आएगा, उसके बाद इकट्ठा करने के बाद पैसे को क्या करोगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, बिजनेस ऑपरेट होगा। तो इसलिए सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी होती है? फाइनेंसिंग, देन इन्वेस्टिंग, देन ऑपरेटिंग। तो बताओ ये इक्विटी शेयर कैपिटल कहां जाएगा, कौन सी एक्टिविटी में? फाइनेंसिंग, क्योंकि बेटा इससे पैसा क्या हो रहा है, रेज्ड, पैसा रेज हो रहा है तो कहां आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 10 लाख से कितना हो गया, यानी कि कितने का इनफ्लो हो रहा है, 2 लाख का इनफ्लो हो रहा है ना, 2 लाख का। ओके, तो बेटा अब इसे इनफ्लो कंसिडर नहीं करेंगे, इसको इनफ्लो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने एक लाइन लिखी हुई है यहां पे, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर क्या इशूड करे, क्या रेशियो है इसका, इस रेशियो से कोई मतलब ही नहीं है। बेटा कंपनी ने जो बोनस शेयर इशूड करे, उस बोनस शेयर की वजह से ये कैपिटल क्या हो गई, बेटा जब भी शेयर्स को इशूड करोगे कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। कैपिटल क्या होगी, 10 लाख से कितनी हो गई, 12 लाख रुपए हो गए बेटा 10 लाख से। तो अब इस बोनस शेयर का मतलब क्या है वो मैं लिख रहा हूं, बोनस शेयर मींस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। आप बताओ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब कौन बता सकता है? सर हम तो बोनस शेयर का ही नहीं बता पाए, आपने तो एक और भारी सवाल लिख दिया, बताओ जल्दी से। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बेटे तुम्हें क्लियर है सबको, बताओ बेटा बोनस शेयर का मतलब मैंने क्या बताया, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एनी वन ऑफ यू बताओ जल्दी से बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब, अच्छा और हाँ बिल्कुल सही बताया बेटा, प्रॉफिट को किसकी तरह से इस्तेमाल कर लेना, कैपिटल के फॉर्म में इस्तेमाल कर लेना। अब जरा समझो बेटा कैसे, ठीक है? यहां जरा समझना बेटा, मैं जो है कंपनी में बैलेंस शीट में टी शेप में बना देता हूं, है ना? ओके, वैसे तो कंपनी लॉ मना करता है कि भाई आपको टी शेप में बैलेंस शीट नहीं बनानी है, ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेट में बनानी है आपको, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बना देता हूं, ठीक है? यहां पर बेटा बैलेंस शीट है हमारे पास, क्योंकि बचपन से तो ऐसी पढ़ी थी आपने क्लास 11th में, फिर बाद में आके बैलेंस शीट चेंज हो गई, पार्टनरशिप में भी ऐसी पढ़ी थी आपने, है ना? ओके, यहां पर लाइबिलिटी है बेटा, लाइबिलिटीज में बेटा हमारे पास क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, और दिस इज द प्रेफरेंस बेटा, ये ऑर्डर है,
ये क्या है, हायरार्की है, दैट इज कॉल्ड मार्शलिंग. क्या बोलते हैं इसको? मार्शलिंग. बेटा जब कंपनी की बैलेंस शीट में सारी एसेट और लाइबिलिटीज को उनकी लिक्विडिटी के अकॉर्डिंग क्या कर दे, अरेंज कर दे, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मार्शलिंग. क्या बोलेंगे उसको? मार्शलिंग. ठीक है. अब देखो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी. मैंने माना इक्विटी शेयर कैपिटल बेटा 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 5 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस बेटा 12 लाख के, नॉन करंट लाइबिलिटी बेटा 5 लाख की, ठीक है, और हमारे पास बेटा करंट लाइबिलिटी 8 लाख रुपए की, ऐसा हमने मान लिया. अब इसको टोटल करते हैं, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 और 20 40. ओके बेटा यहां पर भी कितना लिख दें हम? 40 लाख. ओके मैं अभी बात ही नहीं कर रहा, यहां पे सारी की सारी एसेट्स हो जाएंगे. ठीक है, एसेट्स का सम टोटल 40 लाख रुपए. अब देखो बेटा, कंपनी को ऐसा लगता है कि भाई कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 12 लाख. और ये कंपनी ने कुछ ज्यादा पैसा कमा लिया. कंपनी ने क्या करा? ज्यादा पैसा कमाया. भाई सपोज करो मेरे एम्प्लॉई ने मुझे ज्यादा वर्क करके दिया, मुझे ज्यादा सेल करके दी, मुझे ज्यादा एडमिशंस करके दिए, तो बताओ मैं उनको इंसेंटिव दूंगा नहीं दूंगा? है ना, उनके काम पर मैं उन्हें क्या दूंगा? इंसेंटिव दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत करके, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर, एक्स्ट्रा टाइम देकर भाई कंपनी को ज्यादा रेवेन्यू क्या करके दिया? जनरेट करके दिया. तो वो इसके हकदार हैं कि उनको क्या मिलना चाहिए? एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए. ओके, तो कंपनी के पास बेटा, कंपनी को लगता है 2 लाख रुपए उनके पास एक्स्ट्रा है. ओके, तो 2 लाख रुपए का बेटा क्या दे देंगे यहां से? बोनस. तो बेटा जैसे ही 2 लाख का बोनस दिया, तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना पैसा रह जाएगा? 10 लाख. और जैसे ही बेटा बोनस दिया, तो कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो कैपिटल बढ़कर कितनी हो जाएगी? 12 लाख रुपए. क्या नया पैसा कंपनी में आया? नहीं. क्या नया पैसा कंपनी में आया? नहीं. इसीलिए बेटा हमने इसे कैश फ्लो में कंसीडर नहीं करा था, क्योंकि कोई नया पैसा जनरेट नहीं हो रहा. और कैश फ्लो में क्या रिकॉर्ड करते थे? कैश का चेंज. जितना कैश क्या हो रहा है? चेंज. क्या यहां पर कोई नया पैसा आ रहा है? नया पैसा जनरेट हो रहा है? नहीं. पैसा कहां से आया? रिजर्व एंड सरप्लस से. किसमें कन्वर्ट हो गया वो? कैपिटल में. दैट इज कॉल्ड बोनस शेयर, मींस कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. कि कंपनी अपने रिजर्व एंड सरप्लस को, प्रॉफिट को किसमें कन्वर्ट कर देती है? शेयर कैपिटल में. क्लियर है? ओके. तो बेटा अगर ध्यान दो, अगर हमारे पास शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है, ओके, अगर हमारी शेयर कैपिटल का बेटा बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ड्यू टू बोनस इश्यू. किसकी वजह से बेटा? बोनस इश्यू की वजह से. तो हम उसे क्या कंसीडर नहीं करेंगे? इनफ्लो कंसीडर नहीं करेंगे. क्या नहीं कंसीडर करेंगे? इनफ्लो कंसीडर नहीं करेंगे. अब बात समझ में आ गई? तो बोनस शेयर का मीनिंग समझ में आ गया बेटा सबको? बोनस शेयर मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि क्या कि कंपनी अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस को किसमें कन्वर्ट कर देती है? कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है. इससे नए पैसे का कोई भी फ्लो नहीं होता है. ठीक है, क्लियर होगी बेटा बात? तो बताओ यूटिलाइजेशन ऑफ एसपीआर कौन से सेक्शन में? 52. ओके, और कितने चीजों के लिए इस्तेमाल? 5 चीजें. बताओ वन बाय वन 5 चीजें कौन कौन सी? हाँ, सबसे पहला जैसे मैंने बताया, याद रखोगे बड़े से, सबसे पहला क्या? प्रीमियम पेबल ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. दूसरा, टू राइट ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज. थर्ड वन, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर. फोर्थ वन, राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. फिफ्थ वन, टू इश्यू फुल्ली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर. तो बड़े लास्ट वाले पॉइंट में दो बातें ध्यान देनी है. पार्टली पेड होना चाहिए, फुल्ली पेड? फुल्ली पेड. मेंबर को होना चाहिए? क्रेडिटर को. मेंबर को. क्लियर है? देखो बेटा, सेक्शन 52, बोनस शेयर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, सिक्योरिटीज और प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन, और कौन सा? बायबैक ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स. ठीक है, क्लियर है? जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं बेटा. देखो जर्नल एंट्रीज का हालांकि हमारे एग्जाम में कोई ताल्लुक होता नहीं है, बट फिर भी ठीक है, हम लोग सीखेंगे जरूर. बेटा सबसे पहले क्या है हमारे पास ध्यान देना बेटा, पैसा कंपनी जब भी मंगवाती है उसके पास दो प्रोसेस है. पैसा मंगवाने के कितने प्रोसेस है? दो. पहला बेटा, पहला जो है पैसा किस पर आ सकता है? पहला बेटा पैसा किस पर आएगा? लमसम, यानी कि किसमें? एक साथ इकट्ठा. दूसरा क्या हो सकता है बेटा? इंस्टॉलमेंट. दूसरा क्या हो सकता है? इंस्टॉलमेंट. तो बेटा या तो पैसा एक साथ इकट्ठा आ जाएगा, या फिर किसमें आएगा? इंस्टॉलमेंट. एक साथ इकट्ठे का मतलब है बेटा ऑन फाइलिंग द एप्लीकेशन. किसके साथ? भाई कोचिंग में एक बच्चे ने कहा सर मैं वन टाइम पेमेंट करूंगा, यानी कि कब? जैसे ही वो फॉर्म फिल कर रहा है, उसने क्या करा? पूरी की पूरी फीस क्या कर दी? पेड. उसने कहा सर मैं इंस्टॉलमेंट चाहता हूं. कि भाई मुझे क्या दे दो? इंस्टॉलमेंट अलाउड कर दो. तो बेटा कंपनी में भी ऑप्शन है आपके पास, या तो किसमें होगा? लमसम में, या फिर किसमें होगा? इंस्टॉलमेंट में. ठीक है, अब बात करते हैं बेटा अगर लमसम की बात है, तो लमसम में सारा का सारा पैसा इकट्ठा एक साथ किसके साथ आता है? एप्लीकेशन के साथ. किसके साथ आता है? एप्लीकेशन के साथ. और अगर इंस्टॉलमेंट है, तो सबसे पहली इंस्टॉलमेंट क्या होगी? एप्लीकेशन. दूसरी अलॉटमेंट. तीसरा फर्स्ट कॉल. एंड फोर्थ वन इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल.
ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, अब बेटा देखो, जब भी कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेगी, तो बेटा अब एक बात हो, कंपनी आपको रिलायंस कंपनी के शेयर चाहिए, तो आप रिलायंस के हेड ऑफिस मुंबई में चले गए, वहां पे उसका गार्ड खड़ा है, आपने कहा भाई कहाँ जाना है, बोले अभी ऑफिस नहीं खोला, बोले मुझे शेयर खरीद के लेकर आने, कंपनी के काउंटर खुलेगा तो वहां से शेयर खरीद के लाओगे, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं बेटा, जनरली आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास सबसे पहली चीज क्या, देखो पब्लिक कंपनी होती है और एक होती है लिस्टेड कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी के शेयर आप खरीद और बेच सकते हो, पब्लिक के साथ क्या होनी चाहिए, वो लिस्टेड भी होनी चाहिए। ओके, क्या है? लिस्टेड कंपनी। अब बहुत सी ऐसी पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, तो किसके शेयर खरीद बेच सकते हो आप, जो कंपनी लिस्टेड है, और लिस्टेड कहां पर होती है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, कहां पर, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में बेटा, वो क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, लाइक आपने सुना होगा एनएससी और बीएससी। ओके, क्या क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो बेटा अब क्या है, एप्लीकेशन मनी, बेटा जब कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हो रहा है, तब क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बेटा जो एप्लीकेशन का अकाउंट है, ये एक फर्जी अकाउंट है, क्या है, ये एक फर्जी अकाउंट है, यानी कि हमने ऐसे ही इसको ओपन कर लिया है, यानी कि जिस अकाउंट को बेटा ओपन करा है फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े से टाइम के लिए, तो कभी ना कभी उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते थे, उत्कर्ष बताओ, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते थे तो क्या एंट्री पास करते थे, स्टार्टेड बिजनेस और कॉमेंस बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री पास करते थे बताओ, हा हाँ, या तो कैश और बैंक करते थे ना, और बाकी पैसा कहां डाल दिया करते थे, सेम कैपिटल में, क्या लिखते थे बेटा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही तो करते थे बेटा, कैपिटल अकाउंट है ना, ये एंट्री करते थे ना। अब देखो बेटा, हमने यहां पर कंपनी की बात चल रही है, और यहां पे कैपिटल की जगह क्या लिखा जाता है, शेयर कैपिटल, क्या लिखा जाता है, शेयर कैपिटल, और अगर यही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो तो बेटा क्या लिखा जाता है, कैपिटल फंड, क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल फंड। ओके बेटा, हम सोल प्रोपराइटर में सिर्फ कैपिटल बोलते थे, कंपनी के केस में क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। तो अब देखो जरा, हमने अभी फॉर द टाइम बीइंग एक एंट्री पास करी, पैसा आ गया कंपनी के पास, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में चला गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और मैंने कहा बेटा, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है, ये तो फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि थोड़े से टाइम के लिए हमने इसको क्या करा है, ओपन करा है। ओके, अगली एंट्री बेटा क्या करेंगे, एप्लीकेशन का पैसा हम क्या कर देते, ट्रांसफर, कहां पर, शेयर कैपिटल में, तो क्या एंट्री पास होगी, एप्लीकेशन ओपन हुआ क्रेडिट से, बेटा क्लोज कैसे हो जाएगा ये, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा देखो, ये डेबिट से क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच रहा है हमारे पास, बैंक अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और मतलब बेटा, बिजनेस में पैसा लगाने की एंट्री भी तो यही होती है, और यहां पे भी हम पैसा किससे कलेक्ट कर रहे हैं, मेंबर से, शेयर होल्डर से, किससे पैसा ले रहे हैं, पब्लिक से, तो पब्लिक पैसा लगा रही है। बेटा देखो, पैसा लगाने की एंट्री क्या बच रही है, एट द एंड क्या बच रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये जो एप्लीकेशन का अकाउंट है, ये क्या है, फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े से टाइम के लिए हमने क्या करा है, इसको ओपन, बाद में इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। बताओ क्लियर है, आ गया समझ में, ठीक है। अगला अगला बेटा बात करते हैं अलॉटमेंट की। ओके, अगला किसकी बात करेंगे, अलॉटमेंट। तो बेटा याद रखो, एएमयू में सबने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, ठीक है, कोई ऐसा बच्चे ने नहीं किया, सबने किया है ना, है ना। अब देखो, तो एएमयू ने क्या आपको एडमिशन दे दिया अभी, नहीं, आपने क्या फॉर्म क्या करा है, आज लास्ट डेट है विदाउट लेट फी, है ना, जिन लोगों ने नहीं भरा भर सकते, और 22 तारीख लास्ट डेट विदाउट विद लेट फी है, बढ़ गई तो ठीक है, देख लेना फिर आप आराम से, भर दिया ना वैसे सबने। अब बताओ, तो एएमयू ने पहले आपको एडमिशन दिया या पहले एप्लीकेशन फीस ली, हाँ, तो बेटा एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले क्या हो जाएगा, रिसीव्ड, बाकी आपका जो एडमिशन है वो क्या होगा, आपको अलॉट बाद में होगा, यानी कि एप्लीकेशन सबसे पहले क्या हो जाता है बेटा, रिसीव, बाकी सारी कॉल क्या होती है, पहले ड्यू, बाद में क्या होगी उसके, रिसीव। तो बेटा अलॉटमेंट ड्यू, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी, जरा समझो, शेयर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्या आएगी, फेस वैल्यू, क्या आएगी, और अगर बेटा कभी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ऑलवेज एज्यूम प्रीमियम और डिस्काउंट, वो दोनों किस पर होगा, अलॉटमेंट पर। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी एज्यूम द प्रीमियम और डिस्काउंट मनी विल बी ऑन अलॉटमेंट, किसके ऊपर होगा बेटा, अलॉटमेंट के ऊपर। तो मान लेते प्रीमियम, ओके, और डिस्काउंट तो यहां पर होगा ही नहीं, डिस्काउंट कौन से चैप्टर में हो सकता है बेटा, डिबेंचर, किसमें हो सकता है, डिबेंचर में, ठीक है। तो बेटा यहां पर आएगा टू एसपीआर, क्या आएगा, टू एसपीआर, क्योंकि एसपीआर का तो अकाउंट अलग से बनेगा, बताया था अलग ही सेपरेट रहता है, कितनी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, पांच चीजों के लिए,
ठीक है, तो इसकी ये तो एंट्री 2A हो गई। अब 2B, अगर 2B एंट्री कर रही है यानी कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू तो हो चुका है, अब क्या कर लो इसको रिसीव। बेटा रिसीव करोगे तो पैसा आएगा कंपनी के बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा अब कौन से अकाउंट को क्लोज कर दो, शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। अब बेटा देखो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा अलॉटमेंट से अलॉटमेंट, क्या बच रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बताओ पैसा लगाने की एंट्री यही तो होती थी, जब भी कोई ओनर बनता था पैसा लगाता था तो यही एंट्री पास करते थे। अब भी क्या हो रही है बेटा, सेम एंट्री क्या हो रही है पास। अगर आप फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल की भी एंट्री करोगे तो वो भी क्या बनेगी सेम, पहले सबसे पहले क्या होंगी वो ड्यू, किसकी तरह, अलॉटमेंट की तरह। तो अलॉटमेंट कैसे ड्यू हुआ, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम है तो टू एसपीआर। अब क्या कर लो इसको रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है ओके। तो मतलब राहुल फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या होगी, जैसे अलॉटमेंट ड्यू हो रहा है ऐसी फर्स्ट कॉल को ड्यू करो, बिल्कुल ऐसी जैसे ये लिखा हुआ है। अलॉटमेंट की जगह किसका नाम बोलना है सर, हाँ बोलो क्या होगी, बोलो हाँ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अब इसको रिसीव कर लो तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसी किसकी हो जाएगी, सेकंड एंड फाइनल कॉल की, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बताओ क्लियर है ओके। और बेटा कॉल से कॉल क्या हो जाएगी कैंसिल, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल, क्या बचेगा एट द एंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बताओ क्लियर है ओके। अब बेटा इससे कंपनी ने पब्लिक से पैसा क्या कर लिया, रेस कर लिया। अब कंपनी क्या करेगी बिजनेस, अब कंपनी क्या करेगी बिजनेस ओके। फिर इससे पैसा कमाएगी और फिर शेयर होल्डर को बेटा क्या देती है, डिविडेंड। टाइम टू टाइम क्या पे करेगी, डिविडेंड पे करेगी। मतलब यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक बेटा किसी का कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कोई भी सवाल अगर आपके दिलो दिमाग में आ रहा है तो पूछ लीजिए पहले। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताइए बेटा यहां तक क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ बेटा यहां तक क्लियर है या नहीं। मरियम, जरीन, शावेस, मिसबा, फैसल, जल्दी से बताओ बेटा यहां तक क्लियर है, इधर कोई डाउट किसी को ओके। सो कम टू द नेक्स्ट, देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कौन से सेक्शन में दे रखा है, अ कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर एट अदर देन स्वेट इक्विटी शेयर, यानी कि बेटा जिन लोगों ने कंपनी को खून पसीना दिया है कंपनी उनको क्या दे सकती है, शेयर्स इसमें इशूड कर सकती है, डिस्काउंट पर इशूड कर सकती है, जिन शेयर्स का नाम क्या होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अगला, शेयर्स इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, बेटा अभी तो कैश में हुए थे शेयर्स इशूड, अब क्या होगा कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि बेटा अब कैश ना देकर कंपनी मान लो कोई भी चीज बाय करेगी, यानी कि बिजनेस में एसेट परचेस कर सकती है या किसी दूसरी कंपनी का पूरा बिजनेस क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। तो बेटा इस एक्विजिशन में कंपनी उनको कैश और बैंक की फॉर्म में पेमेंट ना करके क्या दे देगी उसके बदले में, अपनी कंपनी के शेयर, अपनी कंपनी में क्या दे देगी हिस्सेदारी दे देगी, ठीक है, अपनी कंपनी में क्या दे देगी हिस्सेदारी। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, क्लास 12th में एक चैप्टर था गुडविल, है ना, तो बेटा किसी भी बिजनेस की गुडविल को आपको मेजर करना ये पॉसिबल मुश्किल से होता है, बट किस टाइम पर आप उसको मेजर कर सकते हो, जब बेचते हैं, जब क्या करते हैं बेटा बेचते हैं बिजनेस को ओके। आपने अपनी एसेट की वैल्यू लगा ली, भाई ये मेरी वैल्यू है, बाकी मैं इसे अपना नाम भी दे रहा हूं तो मैं नाम के पैसे उससे क्या लूंगा, अलग लूंगा। अब सपोज करो बेटा 50 लाख का बिजनेस आप 55 लाख रुपए में बेच रहे हो, तो 5 लाख रुपए किस चीज के चार्ज कर रहे हो, गुडविल के, 5 लाख रुपए किस चीज के आपके, गुडविल के, ठीक है। तो बेटा अब यही टॉपिक है हमारे पास, व्हेन अ कंपनी परचेजेस एनी और एंड मेक्स द पेमेंट टू द, बड़ा आप ध्यान दो, एक होता था क्रेडिटर और एक होता था वेंडर, एक कौन होता था क्रेडिटर और एक वेंडर, आसिफ क्या डिफरेंस है क्रेडिटर और वेंडर में, स्पेलिंग के अलावा क्रेडिटर और वेंडर में क्या डिफरेंस है, ओएस, हर्ष, उत्कर्ष, क्रेडिटर पैसे दे देता है, अच्छा जाफर भाई
यही है। और क्रेडिटर कैश से, आप बताओ। अच्छा, क्रेडिटर हमसे कुछ खरीदते हैं जी, और वेंडर कौन है, और कोई है क्या? ग्रॉस गुड और सर्विसेज, मतलब गुड़ और चीनी, जो गुड्स एंड सर्विसेज दे वो कौन है? वेंडर। और क्रेडिटर कौन है? एक छोटा सा मीनिंग पूछा मैंने आपसे, क्रेडिटर और वेंडर में क्या डिफरेंस है? हाँ बोलो जी। अच्छा अच्छा, और कोई मतलब जो खराब खराब दिमाग में तुम्हारे बातें सब निकाल दो यहीं पर ही, यही निकाल दो, बाहर जाके तो बेइज्जती कराओगे। आप में से कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको मैंने 11th में पढ़ाया हो, और 11th वाली चीज है, अगर आप 11th ही से पढ़ोगे तो आपको ये चीज पता होती। अहमद अहमद 11th का बच्चा नहीं है, 12th का बच्चा है। हाँ देखो बेटा, वेंडर और क्रेडिटर में क्या डिफरेंस है समझ लो। वेंडर और क्रेडिटर, बेटा क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे हमने ऑन क्रेडिट यानी कि उधार पर क्या परचेज करें? गुड्स। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, एंड वेंडर इज अ पर्सन बेटा जिससे हमने क्या करा है? एसेट उधार में खरीदी है। क्या एसेट? बस ये डिफरेंस है। जिससे एसेट उधार में खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेंडर। और जिससे गुड्स उधार में खरीदेंगे उसको क्या बोलेंगे? बेटा क्लास 11th में एक चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन, था या नहीं? है ना? तो वहां पे कभी ट्रांजैक्शन अगर क्लास 11th की किताब है तो उसमें जाके देख लेना, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, तो बेटा वहां क्रेडिटर नाम ने लिखकर क्या था? वेंडर नाम था। क्या था? वेंडर। तो जिनसे हम क्या उधार खरीदते? एसेट। उन पर्सन को बेटा अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम क्या नाम देंगे? वेंडर का। और जिनसे गुड्स उधार में खरीदते हैं कौन होते? क्रेडिटर होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, क्लियर है? ठीक है, तो बेटा हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? तो क्या खरीद रहे हैं देखो उनसे, और बिजनेस के अंदर भी क्या होंगी? एसेट ही तो होंगी, है ना? अब कह रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स इन प्लेस ऑफ कैश, यानी कि कैश की जगह पर उन्हें क्या इशू कर देंगे बेटा? शेयर्स इशू कर देंगे। इट इज कॉल्ड द इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और इसी प्रोसेस को बेटा क्या बोला जाता है? इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश की जगह पर हम क्या इशू कर देंगे वेंडर को? शेयर्स इशूड कर देंगे। अब देखो दो बातें दे रखी बेटा, या तो क्या खरीदा होगा हमने उनसे या फिर क्या। तो पहले एक बात बताओ, गुडविल कब अपीयर होगा, कब अराइज होगा गुडविल? क्या खरीदने में? बिजनेस खरीदने में। ओके, बिजनेस खरीदने में। और एक और चीज अराइज हो सकती है बिजनेस खरीदने में, ये तो आपका नुकसान था जब आप किसी का कम का बिजनेस किसमें खरीद रहे हो? ज्यादा में। तो आप जो ज्यादा पेमेंट कर रहे हो किस चीज का कर रहे हो? गुडविल का। तो आपको नुकसान है ना। दूसरा फायदा क्या हो सकता है? ज्यादा का बिजनेस किसमें खरीदो? कम में। और बड़े फायदा है, और कभी कभी वाले फायदे को क्या नाम दिया था? कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट कहां चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। कहां चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। बताओ क्लियर है? आ गई बात? ठीक है, अब देखो बेटा एंट्री की बात करते हैं हम। यहां तक तो क्लियर है ना सबको? ठीक है बेटा, बात करते हैं ऑन ऑन परचेज ऑफ एसेट, ऑन परचेज ऑफ एन एसेट। बेटा क्या परचेज कर रहे हैं हम? एसेट परचेज कर रहे हैं। बताओ एसेट, एसेट कौन सा अकाउंट होता है? नादिर, एसेट कौन सा अकाउंट है? कोई अकाउंट नहीं है एसेट। अच्छा मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, क्लास 11th में पढ़ा होते तो पता होता नॉमिनल। इसका मतलब तुम्हें नॉमिनल ही नहीं पता, नॉमिनल क्या होता है? रियल। कौन सा अकाउंट होता है एसेट? रियल। और रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब तो एसेट खरीद रहे हो ना, तो क्या एसेट तो आ रही है आपके पास बिजनेस में, तो क्या करोगे? डेबिट करोगे एसेट्स अकाउंट डीआर। ओके, और जिससे आप खरीद रहे हो वो कोई पर्सन होगा। कौन होगा? पर्सन। ओके, यानी कि जो वेंडर है बेटा वो कौन है? पर्सन। और पर्सन के लिए कौन सा रूल लगता है? पर्सनल। और पर्सनल में बताओ ये रिसीवर है या गिवर है? कौन है बताओ? ये गिवर। और रूल क्या होता है बताओ? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बेटा ये गिवर है तो गिवर को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। बेटा ये पहली एंट्री हो गई किस चीज को परचेज करने की? एसेट को परचेज करने की। बताओ क्लियर है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। या फिर एक और तरीका,
इसको हम बोलते हैं बेटा, ये जो हमने रियल और पर्सनल अकाउंट के थ्रू लगाया इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश अप्रोच। कौन सा अप्रोच है? ब्रिटिश अप्रोच या फिर ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच। ओके, और एक होता है अमेरिकन अप्रोच। कौन सा अप्रोच? अमेरिकन। और ट्रेडिशनल की जगह क्या लिख सकते हैं? मॉडर्न। क्या लिख सकते हैं? मॉडर्न। ओके, वो बेटा कहता है कि एसेट, एसेट का जो नेचर है वो क्या होता है? डेबिट। एसेट का नेचर क्या होता है? और लाइबिलिटीज का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। अब बताओ बेटा, आपने जिस पर्सन से यानी कि वेंडर से उधार लिया तो ये आपकी क्या है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट। और एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो इसलिए एसेट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। बताओ क्लियर है? यस एंड नो? ठीक है इतनी बात? ओके, अब बेटा इसको हमें पेमेंट ना कर क्या इश्यू करने? शेयर्स। तो ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स किसको इश्यू करेंगे बेटा? शेयर्स टू वेंडर। अब बताओ बेटा, वेंडर पहले रिसीवर था, पहले गिवर था, अब क्या बन जाएगा? रिसीवर। और क्या एंट्री होती है? डेबिट द रिसीवर। तो वेंडर को क्या कर देंगे बेटा? डेबिट। ठीक है, या ऐसा कह सकते हैं बेटा, वेंडर को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रिसीवर है। या एक और तरीका हमारे पास क्या है बेटा? वेंडर यानी कि क्या था? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट। अब लाइबिलिटी तो खत्म हो रही है तो क्रेडिट कैसे खत्म होगा? डेबिट से। तो वेंडर अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या देंगे? शेयर्स। अगर इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो बेटा यहां पे क्या देगा? 2SPR। और शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू आती है? फेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू आएगी हमेशा? फेस वैल्यू। बताओ क्लियर है? ठीक है, आपसे बेटा ये सवाल कभी नहीं पूछा जाएगा, एंट्री थोड़ा पूछी जाएगी आपसे। आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स आर टू बी इश्यूड टू सेटल दिस ट्रांजैक्शन। बेटा पेपर में आया हुआ, दो साल पहले पेपर में आया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड किए जाएंगे इस ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए। तो आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या बन सकता है पहले बताओ, कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ गया है ना? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बेटा नंबर ऑफ शेयर इशूड कैसे निकालते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। अब जरा समझो बेटा, हमने एक फर्नीचर परचेस करा, फर्नीचर परचेस करा बेटा, सपोज दैट 7 लाख रुपए का। कितने का? 7 लाख। ओके, कैश पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, बेटा कैश पेड कर दिया हमने एट द टाइम ऑफ परचेज, कितना? 2 लाख। मेरा पहला सवाल बेटा आपसे ये, हम शेयर कितने के इशूड करें? 5 लाख। बेटा 7 लाख का फर्नीचर जरूर खरीदा है लेकिन 2 लाख रुपए से ऑलरेडी क्या कर चुके? पे कर चुके। तो अब बेटा मैं 7 लाख के शेयर इशू नहीं करूंगा उसको, कितने के करेंगे? 5 लाख के। ओके, तो बेटा ध्यान दो, इस 5 लाख को हम क्या बोलते हैं बता सकते हो? इस 5 लाख को बेटा हम नाम देंगे परचेज कंसिडरेशन। क्या नाम देंगे? परचेज कंसिडरेशन। बेटा परचेज कंसिडरेशन 7 लाख नहीं है, कितना होगा? अगर मैं कह दू कैश पेड किया ही नहीं तो बताओ परचेज कंसिडरेशन कितना आएगा? 7 लाख। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा परचेज कंसिडरेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट परचेज? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते बेटा? परचेज कंसिडरेशन हमेशा किसके बराबर होगा? जितना हमने किसमें खरीदा है? उधार में। जितना किसमें खरीदा गया है? उधार में खरीदा गया। बताओ इतनी बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? तो बेटा बताओ, अभी तक अगर कैश पेड 2 लाख कर दिया तो कितने का परचेज कंसिडरेशन? 5 लाख का। तो मैं शेयर भी कितने के इशू करूंगा? 5 लाख रुपए के। क्लियर है? ओके, शेयर की फेस वैल्यू है बेटा, शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपए। कितनी है? और ये इश्यूड हो रहा है इश्यूड एट 25% प्रीमियम। बेटा किस पर इश्यूड हो रहा है? यानी कि 100 रुपए का शेयर पे 25% का प्रीमियम कितना हो गया? 25 रुपए। यानी कि कितना हो गया? 125। कितना हो गया बेटा? 125। तो मुझे एक बात बताओ, कितने रुपए के शेयर इश्यूड करने? 5 लाख रुपए के। और एक शेयर कितने वाला? 125 वाला। तो बेटा बता सकते हो कितने शेयर इश्यूड होंगे? फॉर्मूला बना सकते हैं हम? क्या फॉर्मूला बनाएंगे? क्या फॉर्मूला बेटा? 5 लाख रुपए के करने और कितने वाले 125 वाले। बेटा इसको नाम दे दूं 5 लाख को क्या? पीसी। व्हाट इज पीसी? परचेज कंसिडरेशन। एंड व्हाट इज 125? इशूड प्राइस। व्हाट इज 125? तो क्या फॉर्मूला बन गया? परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशूड प्राइस। ओके, तो बेटा 5 लाख यानी कि कितना? 4000। कितना? 4000। बताओ क्लियर है? हाँ या ना? अब इसमें एंट्री नहीं पूछी जाएगी, एंट्री पर क्वेश्चन क्या बनेगा वो जरा समझ लो बेटा। ये 4000 नंबर ऑफ शेयर सबको समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, देखो
ओके यहां देखो बेटा, अब क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा? क्या होगा सवाल? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से क्या होगा? क्रेडिट। बेटा बताओ कितने शेयर इशू कर रहे हो? 4000। और किस कौन सी वैल्यू? यानी कि कितना? 100। कितना बेटा? 4 लाख। कितना? 4 लाख। और दूसरा सवाल, एसपीआर कितने से क्रेडिट होगा? कितने शेयर? प्रीमियम कितने का? यानी कि कितना? 1 लाख। बताओ समझ में आ गया? किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे बेटा? समझ में आ गया? पहला नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, दूसरा शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से क्या हो सकता है? क्रेडिट। दूसरा एसपीआर कितने अमाउंट से क्या होगा? क्रेडिट। तो ये पता सब कैसे चलेगा बेटा? क्या निकालने के बाद? नंबर ऑफ शेयर इशूड। ओके, और अगर कैपिटल की बात करें तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? फेस वैल्यू से। और अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम के मनी से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। बताओ क्लियर है सबको? यहां तक बेटा किसी का कोई डाउट है तो पूछो। बताओ जल्दी से, यहां तक बेटा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जल्दी से बताओ, सभी को क्लियर है? यस एंड नो? कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? ओके, तो यहां तक अगर नहीं पूछना तो बेटा फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक? ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, हाँ फैसल और मरियम बिल्कुल सही है बेटा। ओके, अगर बेटा आप लोग का कोई डाउट है तो पूछ लो, आप लोग का अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए एक बार। ऑनलाइन वाले बच्चे अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं आप लोग।